कन्या राव में बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में तमाम लोग लापता हो गए। ऐसे ही एक परिजन पीसी बांग्ला यानी कि जिला चिकित्सालय हाथरस में आए हुए, उनसे बातचीत करेंगे। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मीनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हम मैनपुरी के। मैनपुरी के रहने वाले हो, किसको ढूंढने आए हुए? मम्मी को। मम्मी को, कितनी उम्र है मम्मी की? 55-60। कब से आई हुई थी वहाँ पर? वहाँ पर सत्संग में ही सेवा करती है। सत्संग वही रहती थी या फिर आई हुई थी? वही रहती है ज्यादातर, क्योंकि हफ्ते में आई, सोमवार को आई थी घर पे। वही मैनपुरी में सत्संग चल रहा था, उसके बाद करके घर पे आई, फिर यहाँ पे सेवा थी, जहाँ पे आ गई। तो ये बताइए, जैसे बातचीत हुई होगी मम्मी से पहले कभी, तो क्या बताती थी बाबा को लेकर? बाबा को लेकर अच्छे लोग, बाबा अच्छे हैं जे वो, और सेवा करा करो। मैंने कि मैं, हम मम्मी सेवा करेंगे तो हम काम कब करेंगे? अब उनको भी मना करते थे घर पे, क्या करो बड़े बूढ़े हो गए, वो मन नहीं मानती है, वो सेवा करती है, मना करती थे। हाँ, तो कैसे पता चला? फोटो कहाँ है? हम ये फोटो लेकर आप यहाँ आई हो, जिस तरह से क्या लग रहा है, मम्मी जो है वहाँ आई हुई थी आखिरी बार, कब बात हुई उनसे? आखिरी बार सोमवार को ही घर से बात हुई थी, जब सोमवार को, मंगल को तो सत्संग था ही, सोमवार को। उसके बाद मैंने शाम को फ़ोन किया तो फ़ोन किसी और ने उठाया है। हमारी मम्मी का फ़ोन? हाँ, क्या बोल रहे थे वो? उनके संग वो सेवा करती है ना, उन्होंने उठाया तो वो कह रही थी कि अभी 10 मिनट में बात करा रहे हैं, अंदर हैं। 10 मिनट बाद फ़ोन किया तो कह रही वो आगरा चली गई। आगरा बता रही है? हाँ जी, कह रही आगरा चली गई। मैंने कहा आगरा चली गई तो आगरा अपना फ़ोन नहीं ले गई? जी कह रही नहीं, फ़ोन मेरे पास छोड़ेंगे। मैंने फ़ोन ऐसे कहा छोड़ जाएंगी। कब से ढूंढ रहे हो आप? और मैं आज सुबह से ढूंढ रहे हैं, 6 बजे से। तमाम टोल फ्री नंबर वगैरह जारी किए प्रशासन ने, क्या कोई बात? नहीं, बात नहीं की मैंने। टोल फ्री नंबर नहीं, एटा से आया हूँ इस समय, सीधे यहाँ तक यहीं आए हो? हाँ, एटा नहीं, एटा गया था। एटा गए थे? हाँ। क्या बताया प्रशासन अधिकारियों से? वो वहाँ पे देखा उन्होंने, जहाँ पे कोई नहीं आया है, उन्होंने कह दी यहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ पे जितने नाम था मम्मी का? रामकली देव। रामकली देव नाम था। क्या लग रहा है, कहाँ होंगे सर? अब उन्होंने यहाँ भेजा है हाथरस, पता कर लिया। बस तो क्या लग रहा है, अगर मम्मी मिलती है तो दोबारा भेजोगे बाबा के यहाँ? नहीं नहीं। क्यों सर? अब मिल जाए बोल पहले तो, अभी तो पता चलेगा। शक्ति बता रहे थे बाबा में? वो तो आप मानते हो बाबा में शक्ति है? नहीं 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 मानते। मैं तो भगवान को मानते हैं बस, बाकी किसी को नहीं मानते। बाबा में शक्ति नहीं है? कितने लोग हैं परिवार में आपके? मेरे परिवार में सब हैं, बहुत हैं। कितने लोग हैं? 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, शादी हो गई सबकी। सबकी शादी? पापा भी हैं मेरे। मम्मी के संग कौन आया था यहाँ? मम्मी के संग तो वो अकेली आती है, और 4 उनके संग लेडीज और थी ना मेला। अच्छा, कोई रहती है? आप हैं उनके साथ? नहीं नहीं। कहाँ है आपके पापा? पापा जी। और लोगों से बातचीत करेंगे, जो जिनकी माताजी खो चुकी हैं वो लगातार यहाँ जिला अस्पताल में आए हुए हैं, लगातार जो है कहीं ना कहीं अपनों की खोज में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और अपनों के लिए लगातार एटा, कासगंज, मैनपुरी तमाम जगह से लोग लगातार हाथरस, एटा और अलीगढ़ में पहुंच रहे हैं और अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। तमाम लोगों के परिजन खो चुके हैं, किसी की किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन लगातार प्रशासन के द्वारा टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं, साथ ही तमाम व्यवस्थाएँ बताई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरह से जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं जो मृतकों की संख्या है 123 हो चुकी है, लेकिन अब भी कुछ लोग जो है लापता हैं। अगर मृतकों की संख्या के बाद जो घायलों की संख्या की कही जाए तो 100 से ज़्यादा लोग जो घायल हैं, ये वो है। क्या नाम है आपका? मानव श्री चंद्रपाल। कौन है आपकी जो हाँ, पत्नी? पत्नी आपकी, नाम क्या था उनका? रामवाली। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। कब से आई हुई थी वो यहाँ? बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाओ। कब से आई थी वो यहाँ पर? अब तो आई है, सत्संग में मिला, उनको सेवा है। अच्छा, तो सोमवार को आई, 8 दिन घर पर रही, तो हमें गाड़ी करके हमें पहुँचा दो वहाँ पर अड्डे पर, तो हम सुखाबाद जाएंगे। सुखाबाद कहाँ जाएंगे? फरकाबाद। फरकाबाद तो फिर जाएँ कुटिया, बहादुर नगर। बहादुर नगर तो फिर बिछवा पहुँची, बिछवा तो फिर जहाँ आएंगी तो हाँ सत्संग हुआ। हाँ अच्छा, वहाँ 3 जन ही हैं, वे गई हैं घर पर, दुकान है, बेटा रहता है आगरा, मैं अकेले रहते हैं। तो वहाँ ऐसा हुआ, हम तो बाजार चले जाता, मैं दुकान चलाती जाती, पैसा उनने दूसरी रहती, तो कम धद्दा उनने अपने हबके चक्कर में। तो जब वे गई हैं तो शाम को उनने फ़ोन किया है, मैं जो दूसरी ने भाई के पत्नी ना करो। अच्छा। के भाई, वो हमसे भाई कहती, तो भाई के वो रुपये तुमको मिल गए, रुपये धरे थे कल दिया गैस के ऊपर,
चंगी तो कंडी है तुम रुपया धरे मन किसके रुपया है कि तुमको मिले हम रुपया तो मिले फिर फोन काट दिया। अच्छा फिर वहाँ में ऐसा हुआ कि बनने हमने फोन फिर मिलाया अपनी पत्नी को लंबर हम पे बहु तो वो लंबर वो उठाती है जल्दी उस पर फोन है हमने तुम पे फोन कहाँ से आया बे कहाँ राम करी मत राम करी से बात करा दो अभी कराते हैं हम के अंदर पांडाल में बे बाहर आए फिर ऐसा हुआ फिर मैंने हमें तसली ना मिली फिर मैंने 5 मिनट बाद फिर किया मैंने क्या बात पर कराओ अरे तुम बार बार फोन करते हो और बे तो संगत गई कहाँ आगरा गई टेम्पू है कहीं कैसे सरपुर गई कहाँ गई ठीक। अच्छा हमने फ़ोन कहाँ से आया तुम कैसे मिला क्या फ़ोन तो हम गांव गए तो गांव को हमको दे दिया था हमने फ़ोन तो 1 मिनट को हमको नहीं देती है हमारी पत्नी तुमको क्या दे दिया फिर उनने फिर हमसे दिया मैं देखो देख फिर गांव की बस्ती कैसे जमा इकट्ठे कहते ऐसे गए तुम क्या उस औरत ने क्या बोला कि जहाँ कोई अत्याचार नहीं हुआ है कोई कैसी घटना नहीं हुई है एक मुसटिया तक नहीं मरी है अब ये लोग कह रहे थे जहाँ भी रही गाँव बस्ती पढ़े लिखे से समाज गए तुम कह रही कोई मुसटिया नहीं मरी है जहाँ घटना कम से कम 100-125 आदमी लाशें पड़ी हैं हाहाकार भरे होगी मोदी से पहुँच गया तुम कह रही कुछ नहीं तो उस बात तो हमें शंका सवाल हम ना भाई क्यों फिर हमने फ़ोन करो फिर लड़का फोन करो तुम ले लड़का आया तुम ले कर मैं आया सुबह तक अरे सुबह तक निकली 7 बजे। अब सुबह से आप जो यहाँ आए हुए हैं ठीक है तो यहाँ जो घायल लोग हैं उन्होंने आपकी पत्नी मिली नहीं एक मिली ना अभी जहाँ तो मिली ना अब इतना तो हमें कोई उन्होंने दिखाया नहीं एक दिखाया तो आती सुबह में आती बॉडी बन रही तो जेंट्स हैं तो बंग जैसी सेवा है रही हमारी मदद कर रहे थे ऐसी बंग मदद खूब भाई है क्या बताती थी बाबा के बारे में जब भी आपकी पत्नी की बात होती थी तो बाबा को लेकर चमत्कार के बारे में कुछ बताती थी क्यों जाया करती थी बार बार अब प्रभु जय मत बताती तो कची में तकलीफ शरीर की मोदी तो आज चलना बात थी अब ऐसे खुला चलती कई दोपहर गई तो बस में बैठी थी तो ऊपर पकड़ ही सिड्डी सिड्डी तो पाँच अटकाए तो उनको कूलर अटका फिर मैंने इलाज करवाया फिर ठीक जाए गई चमत्कार तो है आज घटना पहली हुई 18-19 साल है गई हमको जुड़ी भाई पत्नी भी ज्यादा है गई। अच्छा आप भी जुड़े हुए हम भी जुड़े भाई मैं भी जाते मैं लोकट उतार के धरे आया मैंने अब कुछ नहीं घर पर फोटो लगे बहुत सेवा सुबह शाम को करते आरती वंदना करते अब मैं कल तक अब नहीं करोगे आप कुछ नहीं अब कुछ नहीं करोगे प्रभु का जब तुम्हारी सच्चाई है तो सच्चाई की घटना हुई तक हुई कैसे एक दो मरता 100-150 आदमी दे रहा है मरे जन कितने हुए अब बंग देखा है मैं राज सिकंदरा को देखा पानी भरो दुनिया गाड़ी ठाड़ी है अधिकारी प्रभु हैं वो चमत्कार दिखाते हैं शक्तियां हैं तमाम हाँ। लग रहा है आपको शक्तियां हमको तो भाई अब कह रहे हैं हमको तो कुछ नहीं लग रहा हमें तो कोरो दफा लग रहा है अगर ठीक है उनके शक्ति होती तो इतनी घटना कैसे होती मक्खी मच जाती तो बाबू को एहसास होता है। आप बता रहे 17-18 साल से जुड़े हुए हाँ। तो क्या 17-18 साल में आपको कोई चमत्कार दिखा हमको चमत्कार इतना दिखा साहब कि मतलब ठीक है हम संपन्न है खाद पीते हैं अच्छी तरह से हाथ पाँव चल रहे हैं तो अपने घर पर खेती करवा लेते हैं थोड़ी बहुत खेती है खुद ही करते लड़का बेटा आती नहीं बाबा की शक्ति से होता था या आप करते थे शक्ति तो पत्नी करती है पहले करती मैं करते हैं पहले करते हम जाओ शक्ति देते थे अब जाने क्या पता हमें जाओ कहता तुम कर जाओ सत्संग घर पर तो आ जाओ करो घर पर तो आ जाओ करो महीना 2 महीना सच्चे महीने साल साल भर बार घर आती थी आपकी पत्नी हाँ आती कभी आती अभी आई कम से कम 6 महीने बाद अब मानोगे बाबा में शक्ति है इतना बड़ा कांड हो गया 123 चले गए तमाम लोग घायल हैं तो यही तो मीडिया वाले बोलते हैं अब बाबा ना पता है क्या मानते हैं बाबा को सामने आना चाहिए था लोगों की परेशानी समझनी चाहिए परेशानी घटना भाई सामने आते तुम उनकी सेवा करते जो करते कुछ नहीं है वे तो अपन चले गए बिहारी है तमाम लोग कह रहे हैं बाबा को सामने लाओ गिरफ्तार करो जेल भेजो आपका क्या कहना है हमारा यही कहना है हमारा कहना यही है आप सच्चाई सामने आइए जो घटना हुई तो हुई कैसे अच्छा जेव बताइए 15-20 मिनट पहले कि पल्लो होनी है वो बे निकले तो वहाँ में भगदौड़ पड़ गई भगदौड़ है काम कर रही बम लग जाएंगे ना तब जब मरामरी तो भैया अच्छा सुनिए मैं उसको बता रहा हूँ मैं चाहते आपका क्या मानना है आप भी जुड़े हुए हो सत्संग से बाबा से
आपका क्या कहना है, जिम्मेदार कौन होना चाहिए? अब तो जिम्मेदार भाई सरकार है, मैं क्या है, मैं सरकार नहीं, जो कार्यक्रम जिसके हाँ काम करता है प्रभु जमाने, ये बाबा है साकार विश्वरी बेजाने, कैसे घटना हुई, कैसे खाना कहा भाई, जिम्मेदार वही है जिम्मे, और कौन बनेगा तुम? अच्छा बाबा ही जिम्मेदार है। हाँ अब बाबा ना पता है, बाबा ला पता है, लाना चाहिए पुलिस को सामने बाबा को या नहीं? ना मिल गया बिछवा पे बाबा उनका वो बना है, स्थान बना है, बहुत प्रभात बहुत तंगड़ा हम देखे आए, तीन दफे बम कर गाड़ी लेके गए तो ऐसे ही माँ में तीन रूम छः अच्छा एसी लगी है, उनमें से जैना का आदमी पति महाराज के तरह के दर्जे लगे। आप गए जा चुके हो, ये बताइए 17 साल से आप जुड़े हुए हो तो बाबा के ठिकाने कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ जाते हो सत्संग में? हम तो जहाँ जाते हैं तो बाबा से मुख दर्शन तो हो जाते हैं, इतनी भीड़ में हम कहाँ ढूंढे कहाँ देखें, सत्संग गए दर्शन हो गए, दर्शन कर ले। जगह कौन कौन सी बाबा की, ज़्यादा कहाँ जाते थे? 17 साल बहुत होते हैं। हम बताऊँ तुमको, मेन ज़्यादातर रहते हैं ग्वालियर, ग्वालियर में करिए, ग्वालियर प्रभात बहुत तंगड़ा बना है। अच्छा बहुत तंगड़ा बना है, सिखते तंगड़ा, देखो दौसा में गए, आगरा में गए और खिल्ली में गए, कानपुर में गए और नोएडा में गए, इटावा में गए, फरकाबाद में गए, जहाँ जहाँ होता है तो जाता है, जो टाम मिल जाए निकाल जाता है पश्चिते स्थान, अब वहाँ बहादुर नगर नहीं जाते हैं, वहाँ की संपत्ति मंदिर के नाश कर दे, 15-20 हज़ार धरती। बाबा सबसे ज़्यादा कहाँ रुकते थे, जगह कौन सी है, वो जिला कौन सा है? जिला तो वे ग्वालियर रुकते हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर ग्वालियर, ज़्यादातर ग्वालियर, वहाँ प्रभाव बहुत तगड़ा बना। आखिरी सवाल है सिर्फ आपसे, बाबा के खिलाफ क्या होना चाहिए? बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, बिल्कुल साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं बाबा के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, 123 लोग अब तक मौत के आगोश में समा चुके हैं, तमाम जो लोग हैं वो घायल हैं, लेकिन जो लोग हैं जो अपनों को ढूंढते हुए लगातार अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ आ रहे हैं, ये वो जो लापता हैं महिला, उनके पति हैं, उनके बेटों से हमारी पहले बातचीत हुई, अब ये वो पति हैं 17 साल से बाबा से जुड़े हुए, इनके द्वारा जो बाबा सबसे ज़्यादा जिन जगहों पर रुका करते थे उन ठिकानों के नाम बताएं, फिलहाल इनके द्वारा भी, ये भी बाबा के अनुयायी हैं, इनके द्वारा भी बाबा को सामने लाने यानी कि गिरफ्तार और कार्रवाई की बात कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।